पोस्टर के बारे में इतना कहना है कि मेरी 4 दिन की नींद इसमें चली गई है और मेरा डिज़ाइनर जो है वो परेशान हो गया था क्योंकि जो पोस्टर है इसके अंदर पूरी कहानी बयां की है कि जब यहाँ पर सची या उसको आप साची बोल सकते हो और इसका मतलब होता है ट्रुथ, सच, और ये एक सच्ची स्टोरी है। और इस स्टोरी में जो सेकंड लाइन में जो लिखा गया है, ये जर्नी ऑफ फ्री स्टाइल रैपर डांसर एंड हिज ट्रू लव स्टोरी। तो सर इस ये जो है सच्ची म्यूजिकल फिल्म जो है, शूटिंग कहाँ की जाएगी? इसकी शूटिंग मुंबई से लेके कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ भी हो सकती है, बेंगलोर भी हो सकती है, और जहाँ और भी इंडिया के बहुत अदर लोकेशंस जैसे गोवा है, दमन दीव है, क्योंकि इसमें इंडिया के हर कोने कोने से डांसर्स चुने जाएंगे जो इसमें जो रैपर डांसर है उसके साथ में उनका ग्रुप होगा। और इसमें जो अदर कैरेक्टर्स है ये सारे मेरे दोस्त भाई लोग यहाँ पर आए हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं ये मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ में 10-15 साल से काम करने वाले लोग हैं, मेरे गेस्ट हैं वो मेरे गेस्ट भी आर्टिस्ट हैं, मेरे प्रोड्यूसर्स हैं, और जो भी मेरे दूसरे डिपार्टमेंट के भी लोग हैं जैसे DOP है, सिंगर्स है, लाइट डिपार्टमेंट के लोग हैं, स्पॉट के लोग हैं, तो हर डिपार्टमेंट के लोग मेरे साथ रहते हैं। और इस हिसाब से आज का जो ये फर्स्ट लुक पोस्टर लॉन्च है ये अपने आप में एक कहानी है और दिस इज़ अ म्यूजिकल फिल्म। इसमें 6 से 7 गाने हैं और इसमें 2-3 रैप है और सब पे काम चल रहा है, और ये एक सच्ची कहानी पे आधारित है क्योंकि इसमें किसी को पता नहीं चलेगा कि एक रियल जो बंदा है जिसने पब्लिकली मैं कहता हूँ कि वो डांस प्लस स्टार प्लस का जो शो आता है उसमें पार्टिसिपेट किया था, उनके ग्रुप ने विन भी किया था, और उसमें से जो एक लड़का है जिसकी ये लव स्टोरी है और उसके अपना जो स्ट्रगल है उसकी स्टोरी है, एंड उसका नाम ये इश है, और ये लड़का हुआ है पिछले 2 साल से मेरे टच में है, लेकिन मैं इसको मिला 6 महीने पहले क्योंकि फ़ोन पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जब उसको मिला, उसके अंदर का जो जुनून देखा, तो मेरे अंदर एक ऐसा है कि सच्ची स्टोरी पे फिर मैं काम करता हूँ, और जब काम करता हूँ तो मेरे साथ जो लोग हैं, मेरे आर्टिस्ट हैं और इतने साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो मेरे साथ हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करना चाहिए क्योंकि बिकॉज ऑफ कोरोना पेंडेमिक 6 महीने से सोचते रह गए कि कब करें क्या करें। इस बीच में हमारा वेब सीरीज़ का वगैरह चल रहा था, तो फाइनली थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा कि इसको लॉन्च करता हूँ। लड़का है जिस पे हम पिक्चर लॉन्च करें, इस पे बहुत वर्कआउट होना है, इसकी तबीयत ख़राब है पिछले काफ़ी दिनों से, 15-20 दिन से या उससे भी पहले से, लेकिन फिर भी जो मकसद होता है काम का तो वहाँ पर हेल्थ वेल्थ को सबको छोड़ के करना पड़ता है, तो ये आज खड़े हैं, अदरवाइज मैं इनका डांस का परफॉर्मेंस भी दिखाता। ये इनको लेके जो मैं खड़ा हूँ यही इसके हीरो हैं, इनका नाम इश लियो है, इश लियो, ये याद रखिए। और इनकी गर्लफ्रेंड जो है रियल में वो साची है, उधर ऊपर देखिए, तो जो टाइटल है वो साची है और साची के ऊपर कहानियाँ, दिस इज़ द रियल स्टोरी। पहली बार ऐसा हुआ कि वो रियल हीरो ही प्ले कर रहा है अपना किरदार। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो है जो साची म्यूजिकल फिल्म जो है आज जो है लॉन्चिंग है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको जो है हीरो का भी, आप हीरो भी हो, और आपका किस तरह से कैसा रोल है, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये साची फिल्म जो है वो एक रियल घटना पर आधारित है, जो कि हमारे सर की बदौलत ये चीज़ प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है, और इसको थोड़ा वक्त लगेगा रिलीज होने में, बट इस पे भी वर्क चालू है। टाइम चलेगा। सर जैसा सर ने जिस तरह से लास्ट सच्ची यहाँ पे गर्लफ्रेंड है की मतलब लव स्टोरी पे जो है चालू होता है, तो किस तरह से है, क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में तो आपको फिल्म देख के ही पता लगेगा, फिलहाल अभी आप टाइटल से काम चला ही है, और बाकी सर के बारे में बस इतना ही बोलूँगा कि इन्होंने मेरी स्टोरी सुनी और प्लस उस चीज़ को लेके मेरे को समझा, बिकॉज इतनी बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी जो मेरे को मिली है इस समय, तो अभी तो फिर मैं स्पीचलेस हूँ, और इनके बारे में बस एक ही चीज़ बोलूँगा, थैंक यू सो मच सर। और आपसे एक क्वेश्चन और है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जो सर को आप कब से जानते हो? आफ्टर सर को मैं काफ़ी साल से जानता हूँ। हाँ सर को कैसे मिले आप, कहाँ पे आपकी मुलाकात हुई? वैसे तो सर के लिए
मेरे को एक कॉल से ही मेरे सर की मुलाकात हुई थी, और वो कॉल काफ़ी टाइम से यही सब चल रहा था, बट उसके बाद सर के साथ मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया, काम किया। और पहली फिल्म है कि इसके बाद आपने और फिल्म की? नहीं, ऐसा मैंने काम तो किया है, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम लीड कर रहा हूँ। वैसे तो मैंने सर को भी असिस्ट किया काफ़ी वेब सीरीज। एकदम मेरी शुभकामना है नज़ीर जी के साथ में कि अच्छी पिक्चर बनाने के लगे हुए हैं। सांची बहुत अच्छा नाम है, नाम ही सच्चा है, तो पिक्चर भी सच्ची होगी, स्टोरी भी सच्ची होगी। क्या जनता को भी जो है पसंद आएगा? बेशक क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सांची नाम एक सच्चा नाम है और रैपर डांस है जो आज की तारीख में चलता है, और उनकी बेस पे वो पिक्चर बना रहे हैं, इनकी स्टोरी वो बेस पे है, तो डेफिनेटली चलेगी और जनता पसंद करेगी। नज़ीर सर बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत जलीली काम करते हैं, तो ये पोस्टर के बारे में उन्होंने मुझे थोड़ी सी डिटेल्स में मतलब बताई है कि ये पोस्टर लव और एक मतलब डांस के ऊपर है। मैं उनको बहुत ज़्यादा मैं मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी कि वो आगे करें और उसमें हमारा भी कुछ करें। मैं उनके साथ 6 months। हाँ, मैंने उनके साथ 2 वेब सीरीज़ की है। मेरा एक वेब सीरीज़ का नाम है सेडक्शन ड्रीम, उसमें मैंने जो लीड था उसमें मैंने सेकंड कैरेक्टर किया था, और एक है प्रेगनेंसी, उसमें मैंने एज ए लीड किया उनके। आई एम सो एक्साइटेड टू सी दिस पोस्टर, एंड मुझे लगता है कि बहुत अच्छा स्टोरी होगा इसके बारे में। सॉरी, आज पोस्टर लॉन्च किया जा रहा है, सर को क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे? क्या ओके, या फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर, एंड आई होप वी विल वर्क इन फ्यूचर एंड लुकिंग फॉरवर्ड। सर बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे नज़ीर सर, उनके साथ मैंने कुछ प्रोजेक्ट भी किए हैं, तो बहुत ही अच्छा वो करते हैं। छः से 7 महीना हो गया उनको मैं जानती हूँ। हाँ नहीं, सर ने बोला है बहुत एक सरप्राइज़ है, आओ आके देखो, तो रियली इट्स अ ग्रेट सरप्राइज़। बहुत अच्छा ईयर लेकर आएगा, जो भी होगा अच्छा होगा ये मूवी के बारे में, क्योंकि मैं इतना नहीं जानती हूँ, पर जो भी है मुझे लग रहा है कि मूवी में सफल होता तो आएगा जरूर, और मैं इस मूवी में मैं भी काम कर रही हूँ। तो आप सर को कितने दिनों से जानती? मैं सर को 2-4 महीने से जानती हूँ, पर सर तो बहुत ही अच्छे इंसान है। तो सर को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? उनको कॉन्ग्रेचुलेसन करना चाहूँगी, भगवान करके उनका हर मन इच्छा पूरा हो। पोस्टर लॉन्चिंग है काफ़ी अच्छी बात है, और मुझे ऐसा लगता है कि मूवी काफ़ी अच्छा काम करेगी और काफ़ी सारा प्रॉफिट मिलेगा सर को, और क्योंकि मैंने सर के साथ काफ़ी काम किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा रिजल्ट देने वाली है, उनको फीडबैक अच्छा आएगा, क्योंकि सर वैसे भी बहुत अच्छे इंसान हैं और वो काम के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है और काम भी बहुत अच्छे से करते हैं वो। भाई मैं तो अपनी खुशी नहीं बता सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही, क्योंकि मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि सर ने एक्चुअली ये बोला था कि एक सरप्राइज़ है, और यहाँ पे आने के बाद पता चला कि ये सरप्राइज़ ये पोस्टर लॉन्चिंग होगी, ये मूवी लॉन्च होने वाली है, क्योंकि सर ने इससे पहले भी कई बार सरप्राइजेस दिए बट ऐसा सरप्राइज़ फर्स्ट टाइम। सबसे पहले नज़ीर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक सच्ची घटना में बहुत ही अच्छी फिल्म का जो कंसेप्ट किया है बहुत अच्छा है। हमारी फिल्म का पोस्टर लॉन्च हो रहा है, और जैसा कि आप देख सकते हैं इनके डायरेक्टर हैं मिस्टर नज़ीर खान साहब। नज़ीर खान साहब हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और काफ़ी काम किया हमने उनके साथ। उनमें एक प्लस पॉइंट है कि बहुत जीनियस आदमी है, और उनकी टेकिंग जो है वो कमाल की है। सेंस ऑफ ह्यूमर में बोलेंगे तो उनके जैसा मैंने देखा नहीं, अद्भुत डायरेक्टर हैं, और बॉलीवुड में अभी जो है वो धमाल मचाने के लिए आ रहे हैं। पोस्टर इतना ब्यूटीफुल है, यू कैन ईजिली सी, और इसके लिए इसके पीछे जो सर की मेहनत है, मैं सर के साथ 2-3 साल पहले से जुड़ा हूँ, और मुझे पता है लाइक सर से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है एक्टिंग वाइज सब चीज़ में। तो सर आपने 2-3 साल हो गया सर के साथ, तो कहाँ से कैसे जुड़े थे साथ? हमारी जो फर्स्ट जर्नी थी लाइक वी स्टार्टेड फ्रॉम म्यूज़िक एल्बम, उससे हमारी जर्नी शुरू हुई, और उसके बाद हमने काफ़ी 2 वेब सीरीज़ की है। कोरोना काल का तो आपको पता ही है कि पूरी दुनिया परेशान है, और जो भी चल रहा है बेहतर ही ऊपर वाले की मर्जी है, बस करुणा हम कोरोना
काल के बाद फिर जो है एक बार फिर से ये सच्ची म्यूजिकल फिल्म जो है यहाँ बनने जा रही है, आज जो उसका पोस्टर का जो है लॉन्च किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसके बारे में तो मुझसे पहले जिन लोगों ने बताया है, आपको पता है कि सब ने अच्छा ही बताया होगा, क्योंकि अगर मैं कुछ ज़्यादा बोलूँ तो मेरे ख्याल से छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि नज़ीर खान साहब के बारे में बोलना वही हिसाब है कि मैं अपने गुरु के बारे में कुछ कहूँ। सच्ची फिल्म के पोस्टर से मैं ये उम्मीद करूँगा कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद चाहिए और जितने इसमें एक्टर्स हैं, कलाकार हैं, वो दिल लगा के काम करें, मेहनत से काम करें, जरूर सक्सेसफुल होंगे। फिल्म के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानता, सो एंड चूँकि ये जो फिल्म है पोस्टर ही कह रहा है कि ये म्यूजिकल फिल्म है एंड ये ट्रू स्टोरी पे डिपेंड है, सो आई होप कि पब्लिक को, ऑडियंस को बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड स्पेशली जहाँ तक मैं नज़ीर जी को जानता हूँ तो वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, वो जो भी काम करते हैं तो मुझे फॉरवर्ड करते रहते हैं, मैं देखता हूँ उनको। एंड चूँकि मैं भी एक DOP हूँ फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में एज ए DOP काम कर रहा हूँ प्रोफेशनली, एंड काफ़ी एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, सो टेक्निकल चीज़ों को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ और नॉलेज है, तो उनका जो भी मैं वर्क वगैरह देखता हूँ तो मुझे सीरियसली दिल को बहुत अच्छा लगता है। पोस्टर खुद ही कह रहा है कि ये एक सच्ची फिल्म है, जर्नी और फ्री स्टाइल है ना, पोस्टर खुद ही कह रहा। बाकी मैं तो एक ही कहना चाहूँगा कि हमारे नज़ीर भाई, अभी हमारी ज़्यादा पुरानी दोस्ती नहीं है, कुछ ही समय है, मगर बड़े अच्छे मित्र हैं और बड़े घुल मिल के रहते हैं। एक्चुअली मैं सिंगर हूँ, बेसिकली तो सिंगर हूँ मैं और कंपोज़र भी हूँ, तो कुछ इनका कुछ काम था, कंपोजिशन करना था कुछ इनका, तो उस हिसाब से थोड़ी सी फ्रेंडशिप वगैरह हुई, तो बस ये सिलसिला चल रहा है जब से।